कहा था? थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दोस्तों, अगली जो बात आपके बीच रखने जा रहा हूं, आपको याद होगा ये जो बच्चे अभी नौजवान हैं, यंग हैं, इनको बताऊं, उनके साथ आप सबको बताऊं, अपने देश में जब टीवी चैनल आए तो सबसे पहला चैनल था दूरदर्शन। दूरदर्शन एकदम गरीब, पहले दिन से उसको किसी ने बजट नहीं दिया, एक ही प्रोग्राम इसके आते हैं 50 साल से। आज गांव के मुखिया चावल की फसल को चूहों से कैसे बचाएंगे, इसके उपाय बताएंगे। अब जिनकी खेती नहीं थी वो भी कहते थे अच्छा बताओ भाई, क्योंकि दूसरा चैनल है नहीं, जो देखना है इसको ही देखना है। उसके बाद चैनल की बाढ़ आ गई, ए टीवी, बी टीवी, जी टीवी, छी टीवी, थू ले टीवी, दे टीवी, उठा टीवी, लिटा टीवी, केबल, टेबल, डिश, छतरी, छतरी। खुद इंसान पागल हो गया, बारिश में भीग रहा है, छतरी नहीं है, छतरी है बिल्डिंग में लगी, वो भी उल्टी बीच में की बाल्टी, इतनी इतनी बड़ी छतरी हर घर में लगी है। अच्छा प्रोग्राम इतना, विज्ञापन इतने, निर्मा तेरी मां, पता ही नहीं चल रहा साबुन बेच रहा है कि गाली दे रहा है। अच्छा ऐसे ऐसे विज्ञापन आते हैं, ये लोग पैसा लूटने में लगे हुए हैं, सिर्फ पैसा लूटने के चक्कर में। एक विज्ञापन आता भाई साहब, ये विज्ञापन जब आता है दिल दुखता है, ये आता है गोरा बनाने की क्रीम, गोरा बनाने की क्रीम का विज्ञापन आता है, फेयर एंड नहीं आदमियों के लिए आता है फेयर एंड हैंडसम। और इसको करता कौन है, दिल नहीं दुखेगा, इसको कौन करता है, विराट कोहली, सबको पता है वो पैदाइशी गोरा है। और अगर तुम्हारी क्रीम इतनी अच्छी है तो विनोद कामली को लगाओ, और विनोद कामली ना मिले लगा के दिखाओ। एक विज्ञापन इतना और गंदा आता है, वो जब आता है मैं आसपास देखता हूँ, मेरे घर में कोई है तो नहीं, ये बेइज्जती मेरी अकेले हुई है तो ठीक है, किसी और ने तो नहीं देखा कि मेरी बेइज्जती हो गई। टीवी खोलो विज्ञापन आता है माचो माचो। हमने भाई साहब 2-3 दिन सुना, एक दिन मेरे मुंह से निकल गया, पहले हिम्मत है तो पूरा बोल, आधा क्यों बोल रहे, बाद में मैंने पता किया ये हीरो है कौन, किसी ने बताया सैफ अली है। अभी सैफ अली जब मुझे दिखता है मैं बोलता हूँ आगे बढ़ के माचो, क्यों पीछे रहे भाई, इस हाथ दे इस हाथ ले। इतने चैनल आने से सबसे ज्यादा परेशान कौन है बताइए, कौन परेशान इतने चैनल से? नहीं मैं नहीं परेशान, सबसे ज्यादा तकलीफ में है भाई साहब रिमोट। तभी आप देखिए, आप जब ऑफिस से घर आते हैं, कॉलेज से घर आते हैं, अपनी दुकान से घर आते हैं, तो देखिए रिमोट जल्दी मिलता नहीं, वो सोफे के गैप में ऐसे छुपा रहता है, और आपको अंदर ही अंदर देख के बोलता है आ गया कमीना। बेचारा वो बर्दाश्त कर रहा है बरसों, क्योंकि उसको मालूम है जो मेरे हाथ में लेगा मुझे मेरे पूरे बदन में उंगली करेगा। कोई एक बार में चैनल लगाते ही नहीं जब तक पूरा दाब न ले। किस तरह से रिमोट को तकलीफ होती है देखिए, रिमोट लिया, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, ओ आज मौसम बड़ा गोरी है कलाइया, खिला दे तुझे हरी हरी चूड़ी, तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, ऋतु है मिलन की साथी मेरे यारे, ऋतु है मिलन की साथी, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, कि तैनू समझावा की
ना तेरे बिन लगदा जी ढगल लागली कड़ पानी ठेम ठेम गड़ ढगल लागली कड़ पानी ठेम ठेम गड़ ओढ़नी ओढ़ू तो उड़ी उड़ी जाए ओढ़नी ओढ़ू तो उड़ी उड़ी जाए। बहुत खूबसूरत ड्राइव किया विराट कोहली ने। इंडिया इज इन गुड पोजीशन थी टू डॉट लॉस। अच्छे खेल का प्रदर्शन करते विराट कोहली। शिखर धवन शानदार इसमें फॉर्म में नजर आते हुए। इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री विदेश रवाना हो गए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा, फ्रेंड रे आपको मैं खेला है, मेरे पट्टे चिट्टे है, मेरे कुपड़ गिने है, खोपड़ गिने है, मेरे पट्टे चिट्टे है, खोपड़ गिने है। टाइम पास। आशा ममता बनर्जी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, चिरदिन तुम्हें जे अमर जुगे जुगे आमी तुम्हारी अल हबीबी ए हबीबी हवगीना अल गीना अल हबीबी ए हबीबी। अरफात शरीफला भारत उलला अरफात खुराफात खुराफात अरफात अल कायदा बेकायदा बेकायदा अल कायदा उलला इलला उलला इलला पाकिस्तानी इलला इमरान खान इलला मरहबी हरामी इलला हरामी उलला बुलकंदा पालका अरहामी इलला इलला ऐसा लग रहा है दो ही भाई खेल रहे हैं, बाकी लोग चाय पी नहीं रहे। डर किया नहीं जाता ओ आज मौसम कहाँ जा रहे हैं? नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कह सकती। ये क्या कह रही हो मंगला? पिताजी सुनेंगे तो क्रोधित हो। नहीं नहीं मैं विश्व का पहला पीलू श्याम बाबू तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये दूरदर्शन है, इनकी स्क्रीन हिलती रहती है। अगर मैं दादाजी बोल रहे हैं अरे ऊपर देखो एंटी में भी कौआ बैठा। इतने चैनल 1000 चैनल आ गए भाई साहब, इतने चैनल के बीच में एक चैनल फंसा हुआ है एफटी। इनकी पसंद का एक चैनल है एफ टीवी। अच्छा एफ टीवी फैशन टीवी के बारे में मैंने देखा है, घर के बुजुर्ग परिवार में बात करते हैं, बताइए।